हेलो एवरीवन, प्रीलिम्स सुपरचार्ज वीडियो सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। देखा जाए ये टॉपिक जो है काफ़ी सारे यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बेसिस यहाँ पे चीज़ें होती हैं, उनको समझने के साथ साथ आपको करंट पर एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। एनवायरनमेंट को जब भी आप पढ़ें या परीक्षा पे होगी, यहाँ पर आपको जानकारी इससे चाहते हैं या किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो आपको कई सारी चीज़ों पर नजर रखनी पड़ती है। और सबसे ज़्यादा जो आपको एक इम्पैक्ट आपको देखा जाए या क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे एनवायरनमेंट में, वो होते हैं आपको करंट ओरिएंटेड। पर्यावरण को लेकर के सरकार के द्वारा चलाई गई पॉलिसीज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए समझौते, संधियां या फिर सम्मेलन, इसके साथ साथ बहुत सारे यहां पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन हैं, कई सारी नई टेक्नोलॉजी यहां पर खोजी जाती है और कई सारे नए यहां पे प्रयोग भी किए जाते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो इसी तरीके के यहां पे प्रश्न आपको इसमें बनते हैं। इसके अलावा पर्यावरण को लेकर के हम देखें तो कई सारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट आते हैं, कई सारे साइट्स होती हैं, आपको कई सारे जीव जंतु होते हैं, पर्यावरण वनस्पतियाँ होती हैं, जिनके संरक्षण इत्यादि को लेकर किए जाने वाले प्रयास भी होते हैं, कई नई प्रजातियाँ खोजी भी जाती हैं और इनसे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। आज के सेशन में हम ऐसे ही चीज़ों को समावेशन करते हुए पूरी एनवायरनमेंट के टॉपिक को एक ही वीडियो में यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर एनवायरनमेंट को एक ही वीडियो में फिनिश कर सकते हैं और यहाँ पर आज का पक्का यही टारगेट है कि आप आज के आज ही यहाँ पर एनवायरनमेंट को मेरे साथ मिलकर के यहाँ पर फिनिश करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, क्या क्या है एनवायरनमेंट में। सबसे पहले देखिए पर्यावरण एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है जो कॉन्सेप्ट होता है, जो परिचय है आपका। जैसे कि वातावरण की अवधारणा आपसे पूछे, एक कॉन्सेप्ट है कि वातावरण अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए वातावरणीय अपघटन पर वातावरण के कुल आयामों का जो अध्ययन होता है या जो चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं वही आपका एक पर्यावरण होता है। इसी तरह सतत विकास लक्ष्य, एक ऐसा टॉपिक जो एनवायरमेंट काफ़ी बार पूछा आता है, SDG है, तो 2030 तक प्राप्त करने का जो लक्ष्य नहीं है, तो यहाँ पर देखें इसमें अंतरिक्ष अनुसंधान इसमें शामिल नहीं है। भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण या संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया गया, तो सन 1986 ईस्वी में। जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य करता है कौन करता है, तो अपघटक या नियोजक करता है। मानव क्रियाओं से जो प्रभावित होता है वो क्या है, तो वातावरण होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी को पता है 5 जून को प्रतिवर्ष यहां पर मनाया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए किसे दिया जाता है, तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या है, पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान के लिए यह पुरस्कार आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार ये किस लिए दिया जाता है, तो यहां पे देखिए पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान करते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कैसे होते हैं, पर्यावरण के प्रति यहां पर मैत्रीपूर्ण होते हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना या बहुत ही कम यहां पर आपको नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे उत्पादों को हम इको मार्क देते हैं। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार के द्वारा यहां पर इको मार्क यहां पर जारी किया गया है। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ जो हुआ था कब से हुआ है, तो यहां पे देखें 1991 ईस्वी में। पर्यावरण का परिचय इस टॉपिक को फिनिश करने के बाद जब आप दूसरा टॉपिक जो यहां पर पढ़ते हैं, जैसे कि जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर या बायोम, जैव मंडल एवं बायोम को लेकर के, जैसे कि कुछ जैव मंडल और उनकी अवस्थिति को लेकर क्वेश्चन होते हैं, यह जैव मंडल आपके काफी सारे प्रश्न जैव मंडल पर बनते हैं, जैसे कि जैव मंडल कौन सा है, किस राज्य में है, कब स्थापित हुआ, किसको संरक्षण यहाँ पर प्रदान किया जाता है, किन कौन कौन से जीव हैं या वनस्पतियां इसमें पाई जाती हैं, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे देखिए जैसे सिमलीपाल कहाँ पर है, उड़ीसा में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है और नोकरेक आपका मेघालय में स्थित जैव मंडल है। इसी तरह घटते उत्पादकता के क्रम में पारितंत्र का सही क्रम क्या है, तो यहाँ पे देखिए मैंग्रोव, घास के मैदान, झील और सागर जो हैं ये घटते हुए पारितंत्र हैं। अगला यहाँ पे अगर हम देखें जैव आरक्षित क्षेत्र और उनसे संबंधित राज्यों को लेकर एक और क्वेश्चन है, जैसे कि मानस जो है असम में पड़ता है, सुंदरबन देखें तो पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी देखें उत्तराखंड में है और पंचमढ़ी को देखें तो आपको मध्य प्रदेश में आपको अवस्थित है। ऐसे ही कुछ सतत विकास लक्ष्य, किस सतत विकास लक्ष्य में यहां पर देखें आपको क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, टोटल कितने सतत विकास लक्ष्य हैं, ठीक है। जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि SDG 10 में कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो असमानता में यहां पर कमी करना,
SDG 13 को देखें तो इसमें कहा गया कि जलवायु क्रिया को यहाँ पर नियंत्रित करने का काम करना, उसको यहाँ पर बेहतर संरक्षण का काम करना। SDG 14 में देखें तो पानी के नीचे के जीवन को यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्थित रखना है, और SDG 15 को देखें तो यहाँ पर जमीन के जीवन के संदर्भ में यहाँ पर आपको प्रावधान किए गए हैं, उससे संबंधित प्रयास में होते हैं। पादक प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं किस चीज की, तो यहाँ पर देखिए लिम्नेटिक क्षेत्र की। पानी का खुला क्षेत्र कैसा होता है, तो यहाँ पे देखिए इसे हम कहते हैं लिम्नेटिक क्षेत्र होता है। पोषक स्तर जो बनते हैं खाद्य श्रृंखलाओं में जीवों के संबद्ध होने से, जिसमें खाद्य श्रृंखला बनती है, खाद्य आपको जाल बनता है, फूड चेन और यहाँ पर होती है, और उसके माध्यम से आपके जीव जो होते हैं एक दूसरे का भोजन ही होते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पे देखिए जो पूछा गया है कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण के चार यहाँ पर महत्वपूर्ण चरण होते हैं कौन कौन से, तो यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे क्षीणता, फिर आक्रमण, फिर प्रतिस्पर्धा और फिर यहाँ पे स्थानांतरण। इसी तरह प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में जो सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। एक और चैप्टर, अगला चैप्टर क्या है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम को लेकर के। जैसे कि इकोसिस्टम जो टर्मिनोलॉजी है, जो कॉन्सेप्ट है, क्या है, तो इकोसिस्टम का मतलब यहाँ पे इसको सबसे पहले यहाँ पे जो शब्द खोजा गया टैंसले के द्वारा खोजा गया, इकोसिस्टम किसी एक क्षेत्र में रहने वाली जीवों, परिस्थिति, पर्यावरण, उसके संबंधित संबंधों को यहाँ पर देखते हैं। एक स्थलीय जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो कैसा है, तो यहाँ पे देखिए उसका उपभाग नहीं है सागरीय परिस्थिति, क्योंकि स्थल अलग पारिस्थितिक तंत्र है और जलीय सागरीय अलग पारिस्थितिक तंत्र है। वातावरण जो प्रभावित होता है, तो वातावरण देखिए आपको मानव क्रियाओं से प्रभावित होता है। मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, F.E. क्लेमेंटस के द्वारा। समुदाय का संयोजन, संगठन व विकास का उसके पर्यावरण के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं समपारिस्थिकी, या इसी को हम समपारिस्थिकी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर फिर से सतत विकास लक्ष्यों और सूचियों को यहां पर इंटरलेट करने को प्रश्न है। SDG 13 असमानताओं में कमी, SDG 10 असमानताओं में कमी, SDG 13 में जलवायु परिवर्तन, SDG 14 में जल के नीचे जीवन, SDG 15 में भूमि पर जीवन को यहां पर से संबंधित यहां पर लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की जो अवधारणा है प्रथम बार जो है किसके द्वारा दी गई, A.G. टांसले के द्वारा। इसी तरह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या सत्य है, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है दोनों ऊर्जा का प्रवाह और खनिजों के चक्रण यहां पर आपको शामिल होते हैं। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण नहीं है, जैसे कि तालाब, जीव वातावरण के बीच जो पारस्परिक संबंधों का हम अध्ययन करते हैं किसके, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत। सर्वथम गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया गया वो किया गया अर्नीस नेस के द्वारा। इसी तरह पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है, तो इसमें देखिए A.G. टांसले के द्वारा। पारिस्थितिकी निकेत की यहां पे संकल्पना को जो प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा, तो ग्रीनेल्स के द्वारा। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो धान का खेत होता है। इसी तरह मानव के द्वारा रूपांतरित पारिस्थितिकी है, तो कृषि भूमि। रामसर सम्मेलन संरक्षण से जो संबंधित है यहां पर देखा जाए, तो नम भूमि। इसी तरीके से वह वृक्ष जो पारिस्थितिकी मित्र यहां पर नहीं है, तो यूकेलिप्टस। वह वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट यहां पर माना जाता है, वो भी आपको यूकेलिप्टस है। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, सामुद्रिक। विश्व का सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र यहां पर है वो है समुद्र। एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए जो उत्तरदायी नहीं होता है वो है पोषण स्तरों की कम संख्या। प्रवाल निरंजन में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है, तो वहां पर देखिए वैश्विक ऊष्मा। पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, क्यों बिगड़ता है, कैसे बिगड़ता है, तो यहां पर देखिए अगर लगातार लकड़ी या वृक्ष आपको काटे जाएंगे तो उससे पारिस्थितिकी जो तंत्र संतुलन है वो यहां पर बिगड़ जाता है। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है कहां, तो गहरे समुद्र में। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया, तो चिपको आंदोलन में यह नारा दिया गया था। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है, तो भूमंडलीय हेक्टेयर। और झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की जो प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन।
अगला यहाँ पे देखिए तंत्र आता है पस्की तंत्र के प्रकार और पदार्थों का संचरण किस तरीके से पर्यावरण में होता है उसको हम कैसे यहाँ पर कौन से टॉपिक हैं या किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। जैसे कि वह प्राकृतिक प्रदेश जिसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है कौन सा है, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। इसी तरह जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध होती है कब यहां पर देखा तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र है वो आपको पाई जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक जो घटक है वो कौन सा है, तो यहां पर देखिए हरे पौधे। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होता है वो क्या होता है, सौर ऊर्जा। खाद्य श्रृंखला या फिर जिसे हम कहते हैं फूड चेन में यहां पर मानव कैसा है, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम जो पोषण स्तर प्राप्त होता है तो वहां पर देखें सर्वहारी को। पारिस्थितिकी तंत्र में जैव तथा अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका जो निभाता है यहां पर देखें तो वियोजक। जलीय पर्यावरण में DDT सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला का जो स्तर अनुक्रम में बढ़ता है कौन सा है, तो यहां पर देखिए जलपादप, घोंघा, मछली और पक्षी। इसी तरह पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो यहां पे देखिए जैव भू रासायनिक चक्र। सौर ऊर्जा की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कौन सी है, तो यहां पे देखिए ऑक्सीजन चक्र में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड सदैव होता है तो यहां पे देखिए सीधा होता है। अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वो कौन सा है, क्लोरेला। अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से जो निर्मित करता है वो कौन है, रबर का पौधा। जिस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है वो क्या है, यहां पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। आगे देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के, नॉकनी सिंड्रोम के प्रदूषण के कारण क्या होता है, फ्लोराइड्स। रिगेलमैन स्केल का जो प्रयोग घनत्व मापन में किया जाता है, किसके घनत्व के मापन में, धुएं के घनत्व मापन में करते हैं। वायु प्रदूषण का जो सूचक होता है, वायु प्रदूषण का सूचक देखिए क्या होता है, तो लाइकेन होता है। वह देश जिसमें प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल जो मिलता है वो बांग्लादेश है। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो मापक होता है जल में उपस्थित ऑक्सीजन का। इसी तरह बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक जो नहीं है तो यहां पर देखें कीटनाशक। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD किसके लिए एक मानक यहां पे मानदंड है, इसमें देखिए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। जल एक रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को बनाया गया है यहां पे देखिए वर्ष 1974 में। वायु प्रदूषण से संबंधित जो नहीं है तो यहां पर देखिए यूट्रोफिकेशन। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन जो है मूल स्रोत जो होता है वो कौन सा है, वायु प्रदूषण का। भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का जो सबसे बड़ा यहां पे आपका स्रोत है वो होता है परिवहन खंड। इसके बाद बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य जो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो होती है क्या होता है, अम्ल वर्षा। ठीक है, तो जल और सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण से आपको अम्लीय वर्षा बन जाती है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक जो प्रदूषक कौन से होते हैं, यहां पर देखिए आर्सेनिक। यह जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अनंतोगत्वा जलीय जीव के जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध यहां पर हो जाएंगे। इसी तरह निम्नकरणीय डिग्रेडेबल प्रदूषक है क्या है, घरेलू वाहित मल। 80 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि कहलाती है वो है खतरनाक ध्वनि प्रदूषण। धूल प्रदूषण रोकने के लिए जो उपयुक्त यहां पे वृक्ष होता है वो है सीता असो। अधिकतम जो ध्वनि प्रदूषण है तो यहां पे देखिए जेट उड़ान। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण जो कहलाते हैं वो है एंथ्रोपोजेनिक। और जैव अपघटनीय प्रदूषक जहां पर देखिए सीवेज। वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए जो बनाए गए हैं वो हैं यूरो नॉर्म्स। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण जो उत्पन्न करता है कौन, हाइड्रोजन।
उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है कि मृदा, जल और वायु तीनों ही यहां पर आपको प्रदूषित हो जाती है, क्योंकि ज्यादा उर्वरक प्रयोग करने से मिट्टी जो होती है उसकी गुणवत्ता खराब होती है, पानी के सिंचाई कारण वो भूमिगत जल के रूप में जाता है, और साथ ही साथ हवा में वहां पर मिलने के कारण आपको तीनों ही स्थितियां जो होती हैं वो प्रदूषित होती हैं। भारत का सर्वाधिक जो प्रदूषित नगर है, यहां पर देखिए ये डेटा आपको चेंज होता रहता है, तो आपको रिसेंट का डेटा इसमें ध्यान रखना है। यहां पर वैसे 2019 का है, तो गाजियाबाद यहां पे है। इसके बाद स्वचालित वाहनों को निर्वातक सबसे अविषालु धातु यहां पे प्रदूषक जो होता है कौन सा है, तो लेड। जैव निम्नीकरण है तो यहां पर देखा सीवेज। प्रदूषण संकेतक पौधा तो लाइकेन। लाइकेन एक ऐसा पौधा है जो वायु प्रदूषण को यहां पर सबसे पहले यहां पर आपको आसानी से हम पता कर सकते हैं कि कितनी तेजी से या क्या क्या यहां पर आपको कह सकते हैं प्रदूषण बढ़ा है। ये देखिए ऐसा ये क्वेश्चन इसमें पूछा भी गया कि वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य यहां पर कौन करता है, लाइकेन करते हैं। इसी तरह रुधिर वर्षा जो होती है तो यहां पर देखिए इटली में। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है तो वर्षा के द्वारा। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकतम संकेत देती है कि उस जल में सीवेज से प्रदूषण यहां पर हो रहा है। जैविक मरुस्थल कहते हैं, किसे कहा जाता है तो यहां पे दामोदर नदी को। इसी तरह कुछ प्रदूषक और यहां पर उसका पड़ने वाला प्रभाव, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम देखें तो इसके कारण अगर यदि आप इसके कह सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर तेजी से फैल जाता है और उसके संपर्क में यदि कोई मनुष्य आता है तो वहां पर क्या होगा, आपके दो पॉइंट, एक तो होता है लीवर, दूसरा होता है किडनी, इनको यहां पर क्षति पहुंचती है। इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण यहां पर क्या हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है। धूल जो कण होते हैं इसके कारण आपको सांस लेने संबंधी यहां पर समस्या हो सकती है, दमा और अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। और सीसा जो होता है ये केंद्रीय नर्वस सिस्टम को आपको प्रभावित करता है, जो आपके डिसीजन मेकिंग और यहां पर आपके मस्तिष्क से जुड़ता है। ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या जो नहीं होती है वो कौन सा है, सौर ऊर्जा, जिसका आप इस्तेमाल वर्तमान समय में लगातार बढ़ रहा है। NAQI से क्या तात्पर्य है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसी तरह यहां पर देखिए झीलों के पोषक तत्वों की जो प्रचुरता कहलाती है वो है यूट्रोफिकेशन। चलिए अगला चैप्टर आता है जैव विविधता, उसके संरक्षण को किए जाने वाले प्रयासों के अंतर्गत क्या क्या यहां पर विशेष मुद्दे हैं, क्या क्या यहां पर आपसे पूछा गया है। जैसे कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है तो धूपगढ़ चोटी। भारत में एक जैव विविधता हॉटस्पॉट जो माना जाता है पश्चिमी घाट को। वह पदार्थ जो जैव निम्नीकरण यहां पर है ऊन। वह वृक्ष जो पर्यावरण के लिए यहां पर आपको खतरा है यूकेलिप्टस। भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट कौन सा है, भारत और म्यांमार क्षेत्र। एक बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत के तीन राज्यों में यहां पर फैला हुआ है नीलगिरी। खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का जो कारण यहां पर होता है कीटनाशक। वह जीव समूह जिसकी सर्वाधिक जैव विविधता होती है कवक। जैव विविधता के ह्रास के लिए जो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण यहां पर कारक है प्राकृतिक वास का विनाश। भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो नहीं है तो यहां पर देखिए विंध्य। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में हॉटस्पॉट जो माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले जो हॉटस्पॉट हैं तो पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट दोनों ही यहां पर आपको देखा है, तो भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट आते हैं। अगला देखिए भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त जो क्षेत्र है वो कौन सा है, पश्चिमी घाट है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई कहां जाती है, शांत घाटी में। विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से जो संबंधित यहां पर है रेड डेटा बुक। भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम जो पारित किया गया दिसंबर 2002 में। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का जो मुख्यालय आपको अवस्थित है चेन्नई। जैव विविधता को जो अधिकतम यहां पर संकट आपको देखा तो यहां पे प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। जैव विविधता के ह्रास का जो मुख्य कारण यहां पर है इसमें देखिए प्राकृतिक आवासीय विनाश। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है तो यहां पे देखिए फूलों की घाटी में। संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में जो घोषित किया गया है 2011 से 2020 को।
ग्रीन हाउस गैसें और उसके प्रभाव को अगर हम लेकर यहां पर देखें तो वायुमंडल में उपस्थित गैस के कारण पीतल यहां पर आपको फीका पड़ जाता है, तो इसका कारण क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। इसी तरह हरित गृह गैस नहीं है, तो यहां पर देखिए ऑर्गन, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी को छोड़ती है, उसे क्या कहा जाता है? जल विभाजक। इसके बाद धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाले जो शक्तिशाली उत्तेजक है यहां पे पेराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी कि पैन, जिसे हम PAN भी कहते हैं, धान के खेतों से एवं दीमक की बॉम्बी से जो उत्सर्जित होते हैं, कौन सी गैस? तो यहां पर आपको मीथेन गैस। हरित गृह प्रभाव है, क्या है? यहां पर देखिए वैश्विक ताप में वृद्धि का कारण होती है। इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच जो एक समझौता किया गया था, कौन सा समझौता था? उसे हम कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस गैसों में जो शामिल नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैसों में हाइड्रोजन यहां पर देखिए शामिल नहीं है। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में जो परिवर्तन होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। इसी तरह पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में जो वृद्धि होती है, कौन सी? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। हरित गृह प्रभाव मुख्यतः जो घटित होता है कहां? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। एक ग्रीन हाउस गैस यहां पर नहीं है, तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इसी तरह वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी यहां पे गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। इसके बाद भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में लगातार वृद्धि होने से आपको भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो बढ़ने लगती है। वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक यहां पर जो स्रोत है वो होता है आपकी आर्द्र भूमि। ग्रीन हाउस गैसों में वह गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, यहां पर आप देखें कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वो कौन सा है? चीन है। विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का जो अधिभाग है तो 6.5%। बलूचिस्तान में सितंबर 2013 में आए भूकंप के कारण निर्मित अस्थायी लक्षद्वीप से जो प्रारंभ है हो गया है वो क्या है? मीथेन गैस का उत्सर्जन। इसी तरह मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभिनियंत्रण के द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में जो छिड़का जाता है वो क्या होता है? सिल्वर लवण। जलवायु परिवर्तन एवं उससे संबंधित जो संगठन एवं सम्मेलन है यहां पे देखिए, तो पृथ्वी का वायुमंडल और मुख्यतः उसका तप्त होता है, इसमें दीर्घ तरंग और स्थली विकिरण के द्वारा ये इस प्रकार की आपको घटना होती है जिसके कारण एक वायुमंडल जो होता है आपका लगातार गर्म होने लगता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और तापमान जो होता है वो लगातार आपको बढ़ता जाता है। जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर शासकीय पैनल स्थापित किया गया था सन 1988 में, जिसे IPCC कहते हैं। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक जो संकेतक आपको प्राप्त किया जाता है वो है आइस कोर में। आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का जो नवीन अध्याय जोड़ा गया है वो कौन सा था? तो सन 2011-12। इसी तरह ग्रीन हाउस गैसें ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण से जो कारण आपको बनता है, ये सभी चीजें जो होती हैं जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत आप पढ़ते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन का जो मूल कारण है ग्रीन हाउस गैसों के लगातार उत्सर्जन का बढ़ना, उससे ओजोन परत को यहां पर क्षरण होना और प्रदूषण का लगातार बढ़ने की जो घटना है, ये सारी चीजें। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना जो प्रकाशित हुई थी कब हुई थी? सन 2008 में। भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में जो शामिल नहीं है, नाभिकीय शक्ति। औद्योगिक देशों के समूहों में से क्योटो प्रोटोकॉल को जो स्वीकार नहीं किया गया है, किसके द्वारा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। अब यहां पे देखिए कई सारे प्रयास आपको ओजोन क्षरण को यहां पर रोकने को लेकर किए गए हैं और
यहाँ पर आप देखें तो इसके नियंत्रण है, कई आपको अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो सकते हैं, समझौते किए गए हैं, संधियां यहाँ पर आपको साइन की गई हैं, वो क्या क्या है। जैसे कि डॉब्सन इकाई से मापा जाता है, डॉब्सन इकाई से हम क्या मापते हैं, तो यहाँ पे देखिए ओजोन की सांद्रता को मापा जाता है। ऐसे ही विश्व ओजोन दिवस हम कब मनाते हैं, तो प्रतिवर्ष देखा जाए 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रकाश रासायनिक धुंध जो होता है वो सदैव कैसा होता है, ओजोन परत की मोटाई कितनी है, तो यहां पर देखिए डॉब्सन इकाई के माध्यम से यहां पर इसकी मोटाई नापी जाती है। इसके बाद ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, इसमें देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया जो पैदा करती है वो कौन, ओजोन। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से जो विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा। तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन आभा मंडल या ओजोन हैलो का यहां पर पता लगाया गया, किसके द्वारा, जी डब्ल्यू केंट मूर ने। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के द्वारा जो अवशोषित किया जाता है किसे, पराबैंगनी विकिरण को। ओजोन परत के क्षयीकरण का जो प्रमुख कारण यहां पर है, तो इसमें देखें क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल है। सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन छिद्र का पता लगाया गया, तो यहां पे देखिए ब्रिटिश टीम के द्वारा पता लगाया गया था। औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली जो गैस यहां पर उत्सर्जित नहीं होती है, तो देखिए आधुनिक रेफ्रिजरेटर्स में। ओजोन परत की क्षीणता के लिए जो उत्तरदायी यहां पर नहीं है, इसमें विलायक के रूप में जो प्रयुक्त आपके मेथिल क्लोरोफॉर्म होते हैं वो इसके लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। ओजोन जिस सीमा में सूर्य विकिरण का अवशोषण करता है वो सीमा क्या होती है, 240 से लेकर के 280 यहां पर नैनोमीटर। ध्रुवों के ऊपर ओजोन छिद्र का अधिकतम जो मान होता है अक्टूबर और नवंबर के मध्य होता है। चलिए अगला चैप्टर, वन एवं वन्य जीवों के यहां पे संरक्षण को लेकर किए गए प्रयास जो राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किए गए हैं। जैसे कि भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक जो वृद्धि दर्ज की गई है कहां की गई, तो आंध्र प्रदेश में करीब 647 वर्ग किलोमीटर में आपको देखा जाए तो वृद्धि दर्ज की गई। वह मैंग्रोव क्षेत्र जो गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है कौन सा है, तो कोरिगा। वह रामसर आर्द्रभूमि स्थल जो भारत के किसी राज्य में यहां पर स्थित है, जैसे कि पॉइंट कैलीमेरे वन जीव और पक्षी अभ्यारण्य। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021 का जो मुख्य शीर्षक है तो वैल्यूइंग वाटर। देखिए ये पुराने प्रश्नों पर आधारित यहां पर है, ठीक है, लेकिन आपको नया जो डेटा है करंट का वो भी ध्यान रखिएगा, उसको मैं कराऊंगा लेकिन वहां पर आप उसको जरूर देखते चलिए। आप सुपर चार्ज यहां पर वीडियो सीरीज सामान्य अध्ययन के रिवीजन के लिए जरूर फॉलोअप करिए, लेकिन इसके साथ साथ करंट अफेयर्स के वार्षिक घटनाक्रम 2023-24 की सीरीज को भी जरूर फॉलोअप करिए, वहां पर हम करंट अफेयर्स को बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो दोनों चीजें, दोनों ही सीरीज को यहां पर रेगुलर अगर आपने फॉलो किया है तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई है सन 1992 ईस्वी में। हांगुल नाम का हिरण जो पाया जाता है, तो यहां पे देखिए जम्मू कश्मीर में। अगला इसमें देखते हैं, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं, तो मरुद्भिद जानवर। राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिक विविधता का जो रखरखाव किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, इन सीटू संरक्षण। वह वन ह्रास का जो मुख्य कारण क्या होता है, कृषि विकास, कृषि के लिए वनों की कटाई का होना। भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1980 में। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है किसके माध्यम से, तो यहां पर देखिए वन रोपण से। पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में जो मदद यहां पे नहीं करता है, तो देखा वनों को काटना। अगर आपको पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना है तो आपको वन नहीं काटने चाहिए, अगर आप वन काटेंगे तो पारिस्थितिकी संतुलन आपको लगातार बिगड़ता ही जाएगा। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय जो टाइगर दिवस मनाया जाता है, तो यहां पर देखिए 29 जुलाई को। भारत का वन्य जीव संस्थान जो अवस्थित कहां पर है, देखिए देहरादून में। विश्व वन्यजीव दिवस जो मनाया जाता है 3 मार्च को।
संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र जो है कहां पे है? गोवा में। नेपाल एवं भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का उद्देश्य है क्या है? गिद्ध का संरक्षण करना। आइए आगे देखते हैं। वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है किस चीज का? तो वालपराई नगर। बहुउद्देशी वाले वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है सामाजिक वानिकी के अंतर्गत। वह ड्रग जो गिद्धों की समाष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है, डिक्लोफिनेक सोडियम। विश्व के वन्य जीव भारत में कितने पाए जाते हैं? करीब 5% जो है विश्व के जीव भारत में पाए जाते हैं। वह राज्य जहां की जनजातीय महिलाओं ने पेड़ काटने वालों के खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार को यहां पे सर्वथम यहां पर घोषणा की थी? हिमाचल प्रदेश। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का जो प्रथम देश आपको बन गया है? नॉर्वे। भारत सरकार के द्वारा बाघ परियोजना जो शुरू की गई थी कब? वर्ष 1973। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक विलुप्त प्राय पक्षी की प्रजाति है, आजकल भारत में यहां पर पाई जाती है कहां पे? राजस्थान। तो ये सारे टॉपिक यहां पे देखा जाए, हमने देख लिया वन्य जीव संरक्षण को लेकर के। अगला जो चैप्टर आता है अभयारण्य एवं जैव मंडल रिजर्व को लेकर के, सेंचुरीज एंड बायो रिजर्व। जैसे कि एक क्वेश्चन आया कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहां स्थित है, तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य देखा जाए तो आपको कहां स्थित है? गुजरात। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि सोन चिरैया के कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र कहां पर आपको स्थित है? तो जैसलमेर, राजस्थान। हरियाणा के यमुनानगर जिले में आपको देखा जाए तो कालेसर नेशनल पार्क यहां पर आपको अवस्थित है। इसी तरीके से जैव विविधता से भरपूर ग्रेट इंडियन राष्ट्रीय उद्यान यह भी कहां स्थित है? आपको हिमाचल प्रदेश में है। अब देखिए यहां पे एक तरफ आपको वन्यजीव अभयारण्य दे दिए गए हैं और दूसरी तरफ यहां पर कुछ राज्यों के नाम दे दिए गए हैं। अब आपको यहां पर पता होना चाहिए, अगर आपको पता है बेसिकली इसको अध्ययन करने के लिए, या तो आप इसको स्टैट्स को रटें या फिर मैपिंग थोड़ा सा भी कर सकते हैं, उससे भी याद रखने में आपको आसानी होती है। जैसे कि यहां पर नोक्रेक जो वन्यजीव अभयारण्य है आपको मेघालय में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य है आसाम में। अगस्त मलाई वन्यजीव अभयारण्य है केरल में। और देहांग देबांग जो है वो आपको पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे ही दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो हांगुल किससे संबंधित है पूछ लिया गया है, तो हांगुल यहां पे हिरण से आपको संबंधित है और पड़ता आपको कश्मीर में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क देखा जाए आपको जो प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? बाघों के लिए है। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो स्थित है देखा जाए तो ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो महत्वपूर्ण आपको रणनीति है कौन सी है? जैव मंडल रिजर्व। बखीरा पक्षी विहार जो स्थित है कहां पे है? तो संत कबीर नगर। भारत में स्थापित प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान है तो यहां पर देखिए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यूनेस्को के जैव मंडल निचय की यहां पे जो सूची यहां पर नहीं है आपको शामिल वो है कक्ष कारण। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल जो घोषित किया हुआ है नंदा देवी की यहां पे जीव मंडल रिजर्व को। इसके बाद यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के जिस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल जो घोषित किया है वो कौन सा था? तो कंचनजंगा खंगचेंग जोंगा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद यूनेस्को के द्वारा जो प्रमाणित जुलाई 2016 तक यूनेस्को ने भारत में विश्व धरोहर स्थल जो अधिसूचित किए थे तो 35, जिनकी संख्या वर्तमान में बढ़कर आपको 42 हो गई है। यूनेस्को के द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जो जैव मंडली निधि है कौन सी है? मन्नार की खाड़ी। भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो शीत मरुस्थल जो स्थित कहां पे है आपको? हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य या नेशनल पार्क के अभयारण्य जो स्थित है कहां पर है? मध्य प्रदेश में।
समुद्री जो राष्ट्रीय पार्क बनाया गया है यह कहां अवस्थित है? इसे देखिए कक्ष की खाड़ी में। नोकरेक आरक्षित जयमंडल जो अवस्थित है यह आपको मेघालय में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? छत्तीसगढ़ में। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क जो स्थित है कक्ष में। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी जो आपको स्थित है तो यहां पे देखिए सुल्तानगंज में। हाल ही में टाइगर रिजर्व जिसे घोषित किया गया राजाजी राष्ट्रीय पार्क को। भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक जो संख्या पाई जाती है वह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो अवस्थित है तो देखा जाए कर्नाटक में। इसी तरह नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र यह देखा जाए इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है। जंगल महल कहलाने वाला जो क्षेत्र अवस्थित है वो कहां पर है? पश्चिम बंगाल राज्य में। चिनार वन्य जीव विहार कहां अवस्थित है? तो ये देखिए केरल में है। बाघों का प्रमुख रिजर्व यानी कि सरिस्का ये कहां अवस्थित है? तो राजस्थान में। अति विवादित बबली जो प्रोजेक्ट है यह देखा जाए तो महाराष्ट्र में है। मिजोरम में अवस्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो दम्फा टाइगर रिजर्व। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास जो पाया जाता है वो देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में। दो राज्यों में विस्तृत बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं तो यहां पे देखा जाए तो एक यहां पर आपको पेंच जो है दो राज्यों में फैला हुआ है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की जो स्थापना हुई थी तो यहां पर देखिए 1996। इसी तरह कुछ आपको सही सुमेलित करने को लेकर के यहां पर आपको एक प्रश्न बनाया गया है, आइए देखते हैं। एक तरफ राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव आपको अभ्यारण दे दिए गए हैं और दूसरी तरफ यहां पे देखिए आपको देश पूछ लिए गए हैं, जैसे कि बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूजीज तो यहां पे देखिए अफगानिस्तान में है। शे फोक सुंडू राष्ट्रीय पार्क नेपाल में है। नागरी राष्ट्रीय पार्क चीन में है और बम डेलिंग वन्य जीव अभ्यारण आपको देखा जाए तो भूटान में है। ऐसा ही एक क्वेश्चन है जहां पर जयमंडल भंडार और उनकी अवस्थिति आपसे पूछी गई, जैसे कि नोकरेक मेघालय में है, मानस आसाम में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है और अगस्त मलाई आपको केरल में पड़ता है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो स्थित है देखा केरल में है और भारत के जयमंडल आरक्षित जो गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है उसमें कौन सा आता है? इसमें नोकरेक है। ऐसे ही सुमेलित करने को लेकर के यहां पर कुछ क्वेश्चन आए हैं, एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित यहां पर प्रश्न है। तो वन्यजीव अभ्यारण जैसे नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में, पेरियार केरल में और लामजाओ मणिपुर में है। ऐसे ही राष्ट्रीय उद्यान को लेकर एक और क्वेश्चन आया, जैसे बांधवगढ़ आपको देखा जाए तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, रोहिला बांध राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको गुजरात में है। कुछ और भी पूछे गए हैं जैसे कि दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, पापीकोड़ा यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश में है, सरिस्का आपको राजस्थान में है, बांदीपुर देखा जाए तो आपको कर्नाटक में है। तो यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्यों को लेकर के लगातार आपको प्रश्न इसमें आते हैं, कई बार इसको लेकर के मिलान करने को लेकर प्रश्न बनते हैं। इसके आगे देखते हैं कि कौन कौन से और प्रश्न इसमें आपको शामिल हैं। चलिए यहाँ पे देखिए अगले एक और ऐसी ही सूची और उसके बाद फिर ऊर्जा संसाधन से संबंधित यहाँ पे टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर से वही है जैसे कि दाचीगम काफी बार यहाँ पे देखा पूछा गया है, जम्मू कश्मीर पापीकोंडा आंध्र प्रदेश सरिस्का राजस्थान और बांदीपुर आपका कर्नाटक में पड़ता है। ऊर्जा संसाधनों को लेकर अगर हम देखें किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का यहाँ पे जो चरम स्रोत है वो कौन सा है? तो देखा जाए सूर्य है। सौर ऊर्जा को लेकर सरकार के द्वारा भी लगातार एक बढ़ावा देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, सौर पैनल लगाने को लेकर के कई यहाँ पे योजनाएं भी हैं जो कि आपके करंट पॉइंट से आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक जो बल होता है यहाँ पर भी देखिए सौर ऊर्जा ही काम आती है, क्योंकि पौधे हों जीव जंतु हों सभी को यहाँ पर सौर ऊर्जा चाहिए, धूप चाहिए होती है जो कि पोषण और खाद्य पदार्थों के निर्माण में भी सौर ऊर्जा के यहाँ पर पौधों के लिए बहुत जरूरी पहलू होता है। सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है तो यहाँ पर देखें क्या है, सौर सेल है। भारत ने अपना प्रथम अणु युक्त का परीक्षण किया था तो 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया गया था भारत के द्वारा, जिसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा स्वतंत्रता के बाद से देश के
पर्यावरण अवक्रमण का प्रालेखन तथा आगामी 50 वर्षों में इसके नियमन हेतु युक्ति पूर्वक विकास हेतु यहाँ पे परियोजना कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ग्रीन इंडिया 2047। समुद्री खरपतवार का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है आयोडीन। फलीदार पौधों में पेट्रोपादप भी होता है तो करेस। बायोडीजल कैसा एक पौधा है? तो रतन जोत जो है एक बायोडीजल पौधा होता है। इसी तरह शक्ति तथा खाद दोनों में हो सकता है तो बायोगैस संयंत्र का प्रयोग हो सकता है। अगला देखते हैं। देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य किसे घोषित किया गया? तो सिक्किम है जो कि पहला यहां पर पूर्ण रूपेण जैविक राज्य घोषित किया जा चुका है। जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन यहां पर देखा जाए कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस है। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण जो उत्पन्न करेगा कौन करता है? तो हाइड्रोजन करता है। इसी तरीके से एक और चैप्टर आता है जिसमें हम पर्यावरण संरक्षण को लेकर के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन हैं या फिर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं और उसमें यहाँ पे जो प्रमुख पहलू इसमें शामिल होते हैं जैसे कि पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं होता है? सहज रहन सहन का प्रतिरूप। कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा उत्पन्न हुई थी तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत यहाँ पे कार्बन क्रेडिट यानी कि कार्बन का व्यापार करने की प्रक्रिया थी, जो एक दूसरे से खरीद फरोख्त की प्रक्रिया थी। किसी देश में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, तो एक कार्बन क्रेडिट यहाँ पर एक प्रोडक्ट एक तरीके से योजना एक अवधारणा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप किया गया था। भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम जो किया गया वो कब पारित किया गया? तो सन 1986। अब यहाँ पे देखिए अधिनियमों को कब पारित किया गया, तो भारत सरकार के द्वारा कई सारे यहाँ पर अलग अलग संदर्भों में अधिनियम बनाए गए हैं, जैसे कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लेकर आया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 में लेकर आया गया, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो 1981 में लेकर आया गया, और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो कि 1974 में लेकर आया गया। इसी तरीके से एक प्रश्न आया था कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने के लिए यहाँ पे कौन सी तिथि को यहाँ पे डॉल्फिन डे के रूप में मनाने को घोषित किया है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉल्फिन डे। आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1986 में। रियो शिखर सम्मेलन जो 1992 में हुआ था जिसे हम एजेंडा 21 भी यहां पर आपको संबंधित है किससे? सतत विकास को लेकर, SDG गोल्स को लेकर के। भारत में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था, क्या स्थापित किया गया था? तो 1900 देखा जाए आपको पर्यावरण मंत्रालय जो भारत में स्थापित किया गया बनाया गया 1985। भारत में पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम आपको पारित किया गया 1986 में। चिपको आंदोलन जो संबंधित है देखा जाए पादप संरक्षण को लेकर, पेड़ों को काटने से रोकने के लिए चलाया गया था चिपको आंदोलन, जिसमें व्यक्ति विशेष जो होते थे किसी पेड़ को पकड़कर चिपके रहते थे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी ये कहां अवस्थित है? तो देखा जाए आपका नागपुर में है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की जो घटना है क्या कहलाती है? अस्थाई विकास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट जो अवस्थित है कहां पर? नई दिल्ली में है। भारतीय वनस्पति एवं शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो लखनऊ में है। भारत का वन्य जीव संस्थान ये कहां स्थित है? तो देहरादून में है। और उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 जुलाई के मध्य। तो ये हो गया इससे संबंधित टॉपिक। अगला यहां पे देखिए आता है जल संरक्षण को लेकर के, कौन कौन से प्रश्न यहां पर जल संरक्षण को लेकर के पूछे गए हैं, ठीक है? तो यहां पे देखिए एक तरफ यहां पे आर्द्र भूमि है, दूसरी तरफ यहां पे राज्य है, झीलें हैं, रस्थान हैं। तो यहाँ पर कौन सी झीलें आर्द्र भूमियाँ किस राज्य स्टेट्स में यहाँ पर आपको पड़ती हैं? जैसे कि टंबाओ आर्द्र भूमि जो है सिक्किम में है, कोराडी आर्द्र भूमि महाराष्ट्र में है, अनसुपा आर्द्र भूमि ओडिशा में है, और यारलप्ट यहाँ पर आर्द्र भूमि आपका मणिपुर में है। इसी तरह झीलों के बारे में क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि सौज झील ये आपको मैनपुरी में पड़ती है, शेखा झील जो कि अलीगढ़ में है, बखीरा झील जो कि संत कबीर नगर में है, और सरसई झील जो कि यहां पर आपको इटावा में पड़ती है। अन्य प्रश्नों के दृष्टिकोण से देखें क्या क्या पूछा गया है, जैसे कि
पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली जो ओजोन परत है वो वायुमंडल में किस स्तर पे पाई जाती है, तो यहाँ पे समताप मंडल पे। इसी तरह केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो झील अवस्थित है, तो यहां पे देखा जाए लोकटक में। इसके बाद स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें जो अधिकतम जा सकती हैं कितने मीटर की गहराई तक, 200 मीटर की गहराई तक सूर्य की किरणें प्रवेश कर सकती हैं। और जैविक मरुस्थल कहते हैं दामोदर नदी को। अंतिम यहां पर टॉपिक विविध के अंतर्गत जो अन्य विशेष या अलग अलग टॉपिक को लेकर के अन्य यहां पे जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उनको भी चलिए यहां पर रिवाइज कर लेते हैं और सेशन को हम यहां पर समाप्त करेंगे। और आपने फाइनली यहां पर पर्यावरण को लेकर के कॉन्सेप्ट भी यहां पर इससे आपको समझ में आ जाता है कि देखिए एनवायरमेंट को जब आप पढ़ते हैं तो आपको अलग अलग चैप्टर से अलग अलग तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। और जैसा मैंने आपको सेशन के शुरुआत होने से पहले बताया था कि आपको एनवायरमेंट जब आप पढ़ें तो वहां पर क्या चीजें ध्यान रखनी, क्या क्या चीजें यहां पर आपको पूछी जा सकती, तो कॉन्सेप्ट बेसिस चीजें भी हैं और साथ ही साथ स्टैट बेसिस चीजें भी हैं और करंट ओरिएंटेड काफी यहां पर आपको प्रभावित रहता है। तो इसको हमेशा ध्यान रखें जब भी आप अपने स्तर पर पढ़ाई करने जा रहे हैं एनवायरमेंट को लेकर के, तो करंट ओरिएंटेड पढ़ें और कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर कर लेते हैं थोड़ा स्टैट्स को ध्यान रखकर पढ़ें तो ये चीजें आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप एनवायरमेंट के एग्जाम में हल करके आएंगे। चलिए देखते हैं अंतिम सेशन में अंतिम टॉपिक में क्या क्या है। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो पदेन अध्यक्ष होता है कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसी तरह इकोमार्क प्रतीक जो संबंधित है किससे है, तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। फ्लाई ऐश प्रदूषण जो होता है कैसा होता है, तो यहां पर देखिए ताप विद्युत संयंत्र से निकलता है एक राख की तरह फ्लाई ऐश, जिसे हम यहां पर आपको वायु प्रदूषण काफी होता है, इसे ताप विद्युत संयंत्रों से मोस्टली आपको निकलते हैं। वह स्तनधारी जो कि अंडे देता है कौन है, तो एकेडना। इसी तरह वह उत्पाद जिसको इको मार्क यहां पर दिया जाता है ऐसे उत्पादों को जो कि पर्यावरण के लिए मित्रवत होते हैं या पर्यावरण मित्रवत उत्पादों को। चलिए अब यहाँ पे देखिए कई सारे दिवस हैं और ये दिवस पर्टिकुलर किसी विशेष अवसर या चीजों से रिलेट होते हैं और उनको हर वर्ष यहाँ पर मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय स्तर के भी हो सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी हो सकते हैं। जैसे कि 18 अप्रैल को हम विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मई देखा जाए तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 जुलाई को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है और 5 दिसंबर को हम देखें तो विश्व मिट्टी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह से कुछ कार्यक्रम और वो कार्यक्रम कब शुरू किए गए किस वर्ष से, वहां पर उससे संबंधित एक क्वेश्चन है। देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन आपको स्टैट बेसिस हैं जो कि पुराने यहां पर पूछे गए हैं, जैसे कि वन महोत्सव की शुरुआत जो हुई थी 1950 से, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना 1975 में शुरू किया गया और हाथी परियोजना जो है 1992 में। तो ध्यान रखना है कौन सी परियोजना कब, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, मगरमच्छ परियोजना 1975, हाथी परियोजना 1992। इसमें से प्रोजेक्ट टाइगर हाथी परियोजना जो है कई बार आपको पूछ लिए जाते हैं। इसी तरह नवंबर 2021 में आयोजित आपदा प्रबंधन पर 5वें विश्व कांग्रेस के संदर्भ जो सही कथन है कि इसका आयोजन कहां हुआ था, नई दिल्ली में किया गया था। अब एक तरफ देखिए यहाँ पे मैंग्रोव स्थल हैं जो कि विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। भारत में कौन कौन सा राज्य है जो मैंग्रोव स्थलों के लिए यहाँ पर विख्यात है, सबसे ज्यादा मैंग्रोव जो क्षेत्र है क्षेत्रफल है कहाँ पाया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो करिगा मैंग्रोव स्थल है ये आपको राजस्थान में है, वेम्बनाड भी मैंग्रोव स्थल है केरल में है, पुलिकट मैंग्रोव स्थल है जो तमिलनाडु में है और विक्रोली यहाँ पे जो मैंग्रोव स्थल है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। इसी तरह राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी जो शोध संस्थान ये कहां पर स्थित है, तो नागपुर में है। वह तंत्र जिसमें पर्यावरण के जैविक और अजैविक कारक यहां पे अंतर संबंधित होते हैं उसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इसके बाद हाइड्रोफोनिक्स क्या है, तो हाइड्रोफोनिक्स एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, खेती जो होती है मिट्टी में नहीं करी जाती है और मृदा रहित जो होता है पादप संवर्धन को ही हम हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में जाना जाता है 2 फरवरी। जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है तो हेलोक्लाइन।
हरिकेन के द्वारा क्षति के मापन के लिए जो उपयोग किया जाता है साफिर सिंपसन मापक, और जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला जो सूक्ष्म जीवी है वो है साइनो बैक्टीरिया। हेकी स्टोथर्म पौधे जो उगते हैं कहां उगते हैं, तो यहां पे देखिए बहुत कम ताप पर उगने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं, हेकी स्टोथर्म। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध, नियंत्रण और निर्धनता को घटाना, ये तीनों ही आवश्यक जो तत्व हैं किसके हैं, सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत। 50 से अधिक देशों के द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता UNFCCC जो कब से प्रभावी हुआ है, 21 मार्च 1994 से। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम भूमि होती है वहां पर देखा जाए तो पारस की पदछाप उसे कहा जाता है। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट जो बनाता है क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्ल वृष्टि का क्या कारण होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड यहां पर देखा जाए अम्ल वर्षा का मुख्य कारण उत्पाद होता है। देखा जाए तो आपको वायुमंडल में जल की बूंदों के साथ मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड जो जब बारिश होती है तो उसको हम यहां पर अम्ल वर्षा कहते हैं। इसी तरह वर्ष 2016 में घोषित संपोषणीय विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो यहां पर देखिए 110वां जो कि वर्तमान में घटकर आपको 112वां हो गया। वर्ष 2012 के जनवरी माह में वह मौसमी कारक जो उत्तर भारत में असाधारण यहां पर ठंड लेकर आता है, असाधारण ठंड का यहां पे कारण बनता है वो कौन होता है, क्या कहा जाता है, ला नीना। इसी तरह भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है, तो 20 है। वह जनजाति जो घास के प्रदेशों में रहती है, तो यहां पर देखा जाए मसाई। दी लोनली प्लैनेट ग्रुप ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय वन्यजीव गंतव्य का पुरस्कार मई 2016 में किसे दिया था, तो यहां पर मध्य प्रदेश पर्यटन को। अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध जिसका उद्घाटन जून 2016 में हुआ था, वह अफगानिस्तान के किस प्रांत में है, हेरात प्रांत में। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है कहां, कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को। इसी तरह यहां पे देखिए कुछ आपको पर्टिकुलर शब्द दिए हैं, दिवस दिए हैं, उनको मिलान करना है किस चीज से यहां पर इंटरलिंक किए हैं। इसमें अलग अलग टॉपिक्स दे दिए गए, अलग अलग यहां पे आपको तथ्य इसमें दिए गए हैं, जैसे कि गौरी देवी क्या है, तो यहां पे देखिए चिपको आंदोलन से यहां पर रिलेट करने वाले व्यक्ति का नाम है। पारस्की देखिए तो एजी टांसले ने इस शब्द को यहां पे दिया था। ग्लेशियोलॉजी क्या है, ये ग्लेशियर से संबंधित उसका अध्ययन करने के लिए ग्लेशियोलॉजी होता है। और पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए तो अंतिम यहां पे प्रश्नों को इसमें पढ़ेंगे और सेशन को हम समाप्त करेंगे। अंतिम यहां पे 2 टॉपिक हैं, 3 टॉपिक प्रश्न के रूप में, जैसे कि एक तरफ यहां पे कुछ समझौते दिए हैं और ये समझौते किस विषय वस्तु पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किए गए हैं उनसे संबंधित, जैसे कि पूछा गया है कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल था ये देखा जाए तो बायोसेफ्टी को लेकर किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता। स्टॉकहोम जो सम्मेलन है ये अनवरत जैविक प्रदूषण को रोकने के लिए किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को देखें तो ओजोन परत के संरक्षण को लेकर किया गया यहाँ पे प्रयास है, समझौता है। और क्योटो प्रोटोकॉल के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में यहाँ पर कमी लाने को लेकर किया गया एक समझौता है। इसी तरह से एक कुछ घटनाएं हैं और किस वर्ष यहाँ पर हुई हैं, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया गया, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में और जैव विविधता अधिनियम 2002 में यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया। अंतिम प्रश्न, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण, निरोध, नियंत्रण, निर्धनता में कमी के आवश्यक के लिए क्या जरूरी है, संतुलित विकास के लिए ये सारी चीजें यहां पर आपको आवश्यक होती हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। एनवायरमेंट को लेकर के जो हमने स्टडी करना शुरू किया था वो फाइनली यहां पर आपका इस सेशन के साथ कंप्लीट हो गया। मोस्टली हमने यहां पे सारे टॉपिक रिवाइज कर लिए हैं, जो टॉपिक आपके रह गए हैं उनको भी हम जल्दी ही वीडियो में लेकर आ जाएंगे। बाकी आप काम क्या करेंगे, जब भी इन वीडियो सीरीज को देखें पूरा देखें, सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करें, एग्जाम में जाने से पहले एक तरफ स्तर पर सेल्फ स्टडी करें, दूसरा यहां पर इस वीडियो का प्रयोग करें और तीसरा जो काम करना है प्रैक्टिस सेट से रूल लगा के जाएं। बस इतना काम करके जाइए, आपका एग्जाम में यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ना ही एग्जाम में आप यहां पर इस बार कोई भी चांसेस रह जाते हैं कि आप यहां पर ना हो। तो आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।